नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल बेबी केयर विद फन में आपका स्वागत है। तो डियर पेरेंट्स, आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बच्चे के मुंह से लार क्यों निकलती है और उसका निकलना बच्चे के लिए और आप सबके लिए कैसा होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, आपने ध्यान दिया हो तो देखा होगा कि 0 से 3 साल के बच्चे के मुंह से लार निकलती रहती है। किसी किसी बच्चे के मुंह से ये लार बिल्कुल भी नहीं निकलती है, तो किसी किसी बच्चे के मुंह से लार बहुत ही ज़्यादा कम निकलती है। और आपने किसी बच्चे पे ध्यान दिया होगा तो कंटिन्यू ही बच्चे के मुँह से लार निकलती रहती है। तो फ्रेंड्स, क्या आप इनका मतलब जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? बच्चे के मुंह से लार निकलना शुभ अशुभ कैसे होता है? तो बताती हूँ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले एक इजीली बात जान लेते हैं, जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान खाने की चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा मन करता है, उसके खाने की इच्छा होते हुए भी वह खाना नहीं खा पाती, तो बच्चे के मुँह से लार निकलती है। लार निकलने वाले बच्चे काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। ऐसे बच्चे बड़े बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। इनके अंदर दया बिल्कुल भी नहीं होती है, वे ज़िम्मेदार बिल्कुल नहीं होते हैं। ऐसे बच्चे काफ़ी ज़्यादा समझदार होते हुए भी समझदारी वाला कोई काम नहीं करते हैं, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर प्रेगनेंसी लेडी का कुछ भी खाने का इच्छा हो रही है तो उसको पूरी कर देना चाहिए, ताकि बच्चे के मुंह से लार ना निकले। लार निकलने का दूसरा जो इम्पोर्टेंट कारण है कि बच्चे के मसूड़े फूलते हैं। सेकंड, बच्चे के दांत निकल रहे होते हैं, इस वजह से भी बच्चे के मुँह से बहुत ज़्यादा लार निकलती है। बहुत सारे बच्चे देखे होंगे आपने कि वो आपके हाथ को मुंह में देकर हाथ काटते हैं और बहुत ही ज़्यादा लार आपके हाथों पर लगा देते हैं। इसका मतलब होता है कि बच्चे के दांत निकलने वाले हो रहे हैं, बच्चे के मसूड़ों पर बहुत ज़्यादा खुजली लगती है। अगर बच्चे के दांत निकल रहे हैं और फिर बच्चा लार निकल रही है बच्चे के मुँह से, तो आपको क्या करना है, मामा या बुआ से की सहायता से बच्चे के मसूड़ों पर दिन में 3 बार शहद लगाने से बच्चे के दांत काफ़ी ज़्यादा आसानी से निकलेंगे और जो बच्चे के मुंह से वो लार निकल रही है वो भी बहुत इजीली बंद हो जाएगी। ऐसा करने से बच्चे को भी कोई दिक्कत नहीं होती, हर वक्त लार निकलना ये सब चीज़ें आप तो अनकम्फर्टेबल होते ही हैं, साथ ही साथ बच्चा भी अनकम्फर्टेबल फील करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।